तो कल जितनी बात हुई थी उस पे आपने दिन भर में जो ध्यान दिया हो, कुछ नए प्रश्न बने हो, कोई शब्द अस्पष्ट रह गया हो उसको एक बार देख लें। कल जो सुबह चर्चा हुई थी, कल दीदी ने बात रखी थी उसको लेकर, यदि आपने दिन भर में जो स्वयं में होमवर्क किया है उसको लेकर यदि कोई प्रश्न बनता हो तो अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। भैया, जो हम वो जो चार्ट ले रहे हैं जिसमें संप्रेषिता, इनेटनेस और भागीदारी स्वभाव, वो पूरा जो ले रहे हैं, उसमें जो पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था में जो भाई स्वभाव है, पार्टिसिपेशन और जो एक्टिविटी, उसमें कुछ स्लाइड्स में कंपोजिशन डीकंपोजिशन को किधर लिखा हुआ है भागीदारी में, और रचना की रचना को एक्टिविटी में, और कुछ में इसका रिवर्स हुआ, तो थोड़ा सा। और प्लस इसका भैया पदार्थ अवस्था का ये जो पूरा है सीक्वेंस, संपर्कता से लेकर के उसका एक्टिविटी तक का, उसका हम किसी उदाहरण से समझ सकते हैं भैया? हाँ, पहली बात को देखें तो ऐसे बेसिकली बायो अगर ऑर्डर को, हिंदी बायो ऑर्डर ऐसे बायो ऑर्डर का भी कोई उदाहरण लेकर के पूरी सीक्वेंस को समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो पहली बात आपने कही, अगर कहीं लिखने में चूक है तो उसको सुधार लेंगे। बेसिकली हिंदी में कहें तो क्रिया के रूप में रचना विरचना है, स्वभाव के रूप में जी संगठन विघटन है। रचना विरचना को फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कह रहे हैं, संगठन विघटन को कंपोजिशन डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। ठीक तो है भैया, अंग्रेजी में कुछ शब्द चुने गए हैं और बेसिकली अगर मुद्दा देखें तो इतना ही है। तो क्रिया जी के रूप में रचना विरचना दिखती है, जुड़ रहे हैं टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं टूट रहे हैं, इतना ही दिखाई देता है। उससे जो कुछ नया तैयार हो रहा है उसको संगठन कह दिया, अगर बन के कुछ बड़ा हो गया, टूट कर छोटा हो गया तो उसको विघटन कह दिया। इस रूप में भागीदारी दिखाई देती है। ये बात स्पष्ट है? हाँ, मतलब रचना विरचना है जो भागीदारी है भैया, जी रचना विरचना जो है वो भागीदारी है नहीं, और रचना विरचना संगठन क्रिया विघटन। है। अच्छा, संगठन विघटन भागीदारी, तो ये क्या एग्जांपल लेंगे? हाँ, तो जैसे ये मोबाइल बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? मोबाइल एक संगठन है, कई सारे अणु परमाणुओं की भागीदारी से ये मोबाइल बना हुआ है। इस मोबाइल के हर अणु परमाणु में देखें तो रचना विरचना हो रही है, रचना विरचना पूर्वक ही तो ये मोबाइल बना है ना। कहीं से प्लास्टिक निकाला गया, कहीं से मिनरल निकाला गया, कहीं से सिलिकॉन निकाला गया, कहीं से मेटल निकाला गया। उन सबको पहले विरचित किया गया, तोड़ा गया, अलग अलग किया गया, फिर आपस में जोड़ा गया, रचित किया गया, उससे मोबाइल बनकर तैयार हुआ। मोबाइल एक संगठन है और थोड़े दिनों बाद इसका बैटरी डिस्चार्ज होकर खत्म ही होता है, 3 साल चलता है फिर उसका काम लायक नहीं रहता। तो क्या हो गया? उसका विघटन हो गया बैटरी का। उसमें अणु परमाणुओं में जो कुछ हो रहा था वो स्थिति में आ गया कि वो काम नहीं कर पा रहा, उसका विघटन हो गया। तो विरचना और रचना तो चल जी ही रही है, साथ में अगर हम एक भागीदारी के रूप में देखें तो अभी मोबाइल के रूप में काम कर रहा है और एक ह्यूमन ऑर्डर में कम्युनिकेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल कहीं टूट के गिर गया, स्क्रीन टूट गया, है ना, एंड सो ऑन, जो भी इसमें विकृति हो सकती है हो गई और विरचित हो गया। अब वो भागीदारी उस रूप में नहीं कर पा रहा, किसी और रूप में करेगा बट जिस तरह से पहले भागीदारी कर रहा है नहीं कर पा रहा। ये बात संगठित ठीक होकर है? के ये संगठित होकर के ये भागीदारी कर रहा है ना? अब विघटित होकर दूसरी तरह से भागीदारी कर रहा है, हाँ संगठित होकर हाँ हाँ कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, विघटित होकर आप इसको वापस डंप कर दीजिए, है ना, वो वापस टूट टूट के, है ना, इसको क्रश कर दीजिए या ऐसे फेंक दीजिए, वो वापस किसी ना किसी रूप में नेचर में चला जाएगा। जो क्रिया है उसमें रचना विरचना हुई तब मोबाइल तैयार हुआ है, तो क्रिया से उसकी भागीदारी, क्रिया के बाद वो भागीदारी कर पाती। क्रिया के बाद नहीं, क्रिया के साथ। क्रिया तो तब भी है जब ये मोबाइल का अंश नहीं था, कोई एक परमाणु अणु इसका, है ना। क्रिया अब भी है और क्रिया बाद में भी होगा, क्रिया कोई रुकने वाली चीज नहीं है, क्रिया तो चल ही रही है, हर परमाणु में, हर अणु में क्रिया तो चल ही रही है। और क्रिया क्रिया के बाद उसका परिणाम आता है, इसलिए हम इसको परिणाम अनुसंगी बोल रहे हैं। हाँ, तो जो भी क्रिया बनता है उससे एक नई रचना जो बनकर तैयार हो रही है उसके आधार पर ही उसकी भागीदारी है। जैसे अगर सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना,
मेटल्स इन सबको आपस में जिस ढंग से हम मिला देते हैं, एक प्रॉपर कंपोजिशन बनाते हैं, तब जाके ये परिणाम आता है कि इसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके चिप्स बनाते हैं, है ना, इसमें वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाते हैं। जब ऐसा बनाते हैं, जब वो परिणाम निकल कर आता है तब कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो परिणाम नहीं आता तो नहीं कर पाते। जी भैया, तो रचना विरचना भी कंटिन्यूस चल रही है हर अवस्था में, और ये जो यहाँ पर संगठन विघटन भी हो रहा है, संगठन होने के बाद एक पर्टिकुलर भागीदारी है, विघटन के बाद भी एक पर्टिकुलर भागीदारी। बिल्कुल, और जैसा तो परिणाम आ रहा है उसके अनुसार आचरण हो रहा है जी। इसी को पहले एक ढंग से मिलाया था तो कीपैड फोन की तरह काम करता था, अलग ढंग से मिला दिया तो स्मार्टफोन की तरह काम कर रहा है ना। कुछ और अलग ढंग से मिला देंगे हो सकता है ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करने लगे, वर्चुअल रियलिटी पे काम करने लगे। तो भैया रचना विरचना से ही परिणाम तय हो रहा ना। हाँ ठीक, और फिर एक एग्जांपल भैया बायो ऑर्डर का ले सकते हैं, जैसे दीदी ने लिया था बायो ऑर्डर को देख लीजिए। बीज है, बीज में अंकुरण हुआ, पौधा बना, पौधा और बड़ा हुआ, वृक्ष बना। तो पौधे में भी हर एक भाग में रचना विरचना हो रही है, उससे नया संगठन तैयार हो रहा है। बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष बन गया, एक नया संगठन तैयार हो रहा है। विघटन भी हो रहा है, पत्ते पीले पड़ रहे, नीचे झड़ के गिर जा रहे हैं, तने के उससे बार्क जो है ना वो टूट टूट के बाहर की ओर जा रहा है। तो वहाँ विघटन भी हो रहा है, रचना भी हो रही है, विरचना भी हो रही है, संगठन भी हो रहा है, विघटन भी हो रहा है। साथ में अगर आप देखें तो पुष्टि हो रही है, संगठन विघटन पूर्वक पुष्टि हो रही है। ये पुष्टि पदार्थ में नहीं दिखाई देती, बट ये पुष्टि यहाँ दिखाई दे रही है पौधे में। और क्रिया के रूप में देखें तो रचना विरचना के साथ श्वसन भी हो रहा है, ये आपस में है ना साथ साथ हो रहा है। तो रचना विरचना हो रही है, उसमें एक एडेड फीचर ये बन गया कि अब श्वसन भी हो रहा है उस रचना विरचना के साथ। मोबाइल में श्वसन नहीं हो रहा था, पेड़ में हो रहा है। तो क्रिया में एक चीज जुड़ गई, संगठन विघटन के साथ साथ उसमें दिखाई दे रहा है कि ये सारक मारक की तरह काम कर रहा है। कुछ प्राणावस्था की इकाइयों के लिए सारक है, के लिए मारक है। उसी पेड़ से हमने एक फल तोड़कर खाया, पेट में गया, पेट ने उसको पचाया, हमारा पेट पुष्ट हुआ। अब अगर वो धतूरे का पेड़ है, धतूरे का फल खा लिया तो हमारे पेट में जहर का काम किया, है ना। भांग का पौधा है, उसको खा लिया, नशा का काम किया। तो हर प्राणावस्था की इकाई के साथ इसका एक निश्चित प्रकार से संबंध बना हुआ है, भागीदारी बनी हुई है। उसमें संगठन विघटन तो हो रहा है, उसके साथ साथ सारक मारक का भी भागीदारी हो रहा है कि नहीं। तो भैया पदार्थ अवस्था की भी हम कुछ इकाइयां देखें तो वो भी सारक मारक है, जैसे हम एयर हैं, जैसे एयर हैं, अगर प्योर एयर हैं तो वो सारक हैं, और अगर पॉल्यूटेड एयर हैं तो वो मारक है। हाँ, उसमें भी एयर में क्या हो रहा है कि एयर जब उस प्राणावस्था की इकाई का है ना, तो प्राणावस्था की इकाइयों में हवा शामिल है, पदार्थ शामिल है, जब उसका एक भाग बना तब सारक हुआ। जैसे यही हवा बिल्डिंग से टकराया, सारक मारक का काम नहीं किया, ना तो पोषण हुआ ना उसका शोषण हुआ। बट वही हवा जब हमारे शरीर का भाग बना, पौधे का भाग बना, तब जाके सारक मारक हुआ। तो प्राणावस्था का एक भाग बन गया, प्राणावस्था में इकाइयां वही है जो पदार्थ अवस्था में है, बट उनके प्राणकोशा में प्रवेश करने के साथ साथ नई रचनाएं, नई क्रियाएं तैयार हो गई। हाँ भैया, अब क्लियर हुआ। पौधे में सोखा पदार्थ अवस्था की इकाई पदार्थ अवस्था की इकाई के साथ सारक मारक नहीं है, पदार्थ अवस्था की इकाई जब बायो ऑर्डर के साथ है तो वो सारक मारक का काम करती है। हाँ, ये बात एक बार नहीं कई बार हो गई। बताइए, ठीक है, ये स्पष्ट हो? हाँ, वहाँ देखिए ना, वहाँ लिखा हुआ है अपोस्ट्रॉफी प्लस दिस, संगठन विघटन प्लस सारक मारक कि नहीं, रचना विरचना प्लस श्वसन प्रशोषण, इसको हटा के थोड़ी कह रहे हैं। मैं कंफ्यूज था भैया कि बायो ऑर्डर का हमने एग्जांपल लिया था, केला हो चाहे आलू हो, जैसे धतूरा हो, वो सारक मारक, क्योंकि बाद में ये इंग्लिश में क्वेश्चन उठा था तो वहाँ क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने अपने आपसे पूछ लिया। हाँ नहीं, ठीक है। तो उसमें भी आप देखें, जब तक वो प्राणावस्था में रहता है उसमें श्वसन प्रशोषण की क्रिया चलती रहती है। जैसे आलू सड़ गया, रखे रखे कैसे सड़ गया,
वहीं हमने पेपर वेट रखा हुआ आलू के बगल में, शेप लगभग एक जैसा है ठीक, बट वो नहीं सड़ा, आलू सड़ गया। आलू क्यों सड़ गया? क्योंकि आलू में श्वसन प्रशोषण हो रहा है, पेपर वेट में श्वसन प्रशोषण नहीं हो रहा, तो हवा जो पहले उसके लिए सारक का काम कर रहा था, जब तक वो आलू पौधे के साथ जुड़ा हुआ था, छोटे से बीज से बढ़कर बड़ा सा आलू बन गया ठीक। अब वही हवा जब आलू में जा रहा है उसको सड़ा रहा है, कम मात्रा में जा रहा तो एक तरह से सड़न हो रही है, ज्यादा मात्रा में जा रहा है दूसरे तरह से हो रही है, एक टेम्परेचर पे जा रहा है तो एक तरह से सारक मारक हो रहा है, दूसरे टेम्परेचर पे जा रहा है दूसरे तरह से हो रहा है। तो हवा को भी देखे तो एक रस है ना, रस प्राण कोशा के पोषण में काम आता है। ठीक बात है, बिल्कुल स्पष्ट हुआ, थैंक यू। बढ़िया भैया। तो यदि हम प्राणावस्था को स्टडी करें, उसमें पदार्थावस्था का क्रिया, उसका स्वभाव है ना, उसका धर्म, ये सब शामिल है, उसमें संपृक्तता के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो भी शामिल है। इसलिए आप देखिए तो हर जगह डायग्राम में एपोस्ट्रॉफी प्लस कुछ लिखा होगा, उसको हटा के नहीं कह रहे। तो प्रेजेंटली अगर देखें जो हमारा सिस्टम ऑफ नॉलेज है, ये लार्जली देखें तो रूप और गुण पे फोकस्ड है। तो संवेदना के माध्यम से देखना या विचार में तर्क के आधार पर देखना, तो इसमें जो देखना हो रहा है अल्टीमेटली वो शरीर के माध्यम से हो रहा है और लोअर एक्टिविटीज को यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को और थॉट को यूज कर रहे हैं। जैसे टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग है, रूप को देखा, रूप को देखकर रूप में परिवर्तन को देखा, उससे हमने विश्लेषण किया। तो जो अभी बात हो रही थी, आलू को देखा पहले दिन एक तरह का रूप है, 4 दिन बाद देखा अलग तरह का रूप है, हमने देखा कि उसका रंग जो है बिगड़ रहा है ना, पहले जो छूने में हार्डनेस था वो सॉफ्ट हो रहा है, तो पता लगा अभी सड़ रहा है। गंध जो पहले आ रही थी आलू से, अब वो गंध बदल रहा है ठीक, पहले उसमें से कोई स्राव नहीं हो रहा था, अब वो स्राव होने लगा। अगर उसको जीभ पे रखें तो पहले आलू का एक तरह का टेस्ट आता, अब वो जो सड़ने लगा उससे जो स्राव होने लगा, अब जीभ पे रखेंगे एक अलग तरह का टेस्ट आएगा कि नहीं। तो शब्द से, स्पर्श से, रूप से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से हम देख पा रहे हैं कि इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है ठीक। अगर शब्द को भी सुनना हो तो आलू को पहले पटकेंगे तो एक तरह का आवाज आएगा, जब सड़ गया पटके तो फच करके आवाज आएगा कि नहीं, तो शब्द से ही पता लगता है कि आलू ठीक है कि सड़ गया है। तो आपको दिखाई देगा कि इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, और रूप में परिवर्तन के साथ हम उसको जब विश्लेषित करते हैं तो पता लगता है अच्छा खुले में रखा हुआ था, ऐसा वातावरण है बाहर है ना, गर्मी ज्यादा है इसलिए सड़ रहा है, अब इसको फ्रिज में रख दो, अब उतने ही समय में हो सकता है ना सड़े, जब कोल्ड स्टोरेज में चला गया 6-6 महीना साल साल भर हमने स्टोर किया, बाहर निकाला वैसे का वैसा बना हुआ है। तो अगर लो टेम्परेचर पर रहेगा तो नहीं सड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो सड़ जाएगा, ये हमने विश्लेषण किया। कैसे किया? रूप का आस्वादन पहली स्थिति में किया, रूप का आस्वादन दूसरी स्थिति में किया, और उससे उसके गुण का पता चला। क्या किया हमने? अल्टीमेटली विश्लेषण किया, विचार में गए। तो इसमें शरीर के माध्यम से हमने कोई आस्वादन किया, उसके आधार पर विश्लेषण किया। यहाँ पे शामिल क्या है? लोअर एक्टिविटीज, तो टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग हो रहा है, एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग हो रहा है, और इमेजिंग भी किसी रूप में हो रहा है कि अगर ऐसी इकाई है ना, तो इस इकाई के साथ करना क्या है, जैसे आलू सड़ गया है खाना है कि नहीं खाना है। तो उसमें फिर हम एनालाइजिंग गए, पिछली बार खा के देखा था इससे पेट बिगड़ गया था, अब खाते हैं तो नहीं खाना है इसको। तो मैं एक इमेजिंग करता हूँ कि स्वास्थ्य के अर्थ में कैसा भोजन हो, तो सड़ा हुआ ना हो। कई चीजें हमारे अंदर कल्पनाशीलता में चली गई हैं, भले हम उसको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इमेजिंग में क्या जा रहा है कि कोई चीज अगर सड़ रही है उसको खाने पीने की वस्तु नहीं है, उसको फेंक दो है ना, उसे बाहर निकाल दो। तो लोअर लेवल एक्टिविटीज का यूज कर रहे हैं है ना, तो उसमें हम रूप को देख रहे हैं, गुण को देख रहे हैं। तो बेसिकली देखते हैं आस्वादन के माध्यम से रूप को, रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसे गुण का विश्लेषण कर लेते हैं, और उस गुण के विश्लेषण से हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे हम उसके साथ मेरी क्या भागीदारी हो सकती है उसका चित्रण करते हैं। तो इस आलू को खाना है कि नहीं खाना, तो नहीं खाना है। सीजन का आलू मिल रहा है, नया आलू मिल रहा है, खाना है कि नहीं खाना है, खाना है।
है ना। अब हमने इसका भागीदारी देखी अपनी, ये बात स्पष्ट है, ये रूप और गुण वाले भाग में किस प्रकार से हमारी लोअर लेवल एक्टिविटीज काम कर रही हैं, ये पूरा स्पष्ट है जी। और किस प्रकार हम चित्रण करते हैं, अपनी भागीदारी को देखते हैं, यहाँ पे समझने वाला भाग अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी भागीदारी को देख रहे हैं। सड़ा हुआ आलू नहीं खाना है, ठीक ठाक आलू है तो खाना है, उसमें भी आलू को एज इट इज खाना है या तेल में फ्राई करके खाना है या कुकर में उबाल के खाना है, किस प्रकार खाना है, छिलका उतार के खाना है या छिलका सहित खाना है, किस प्रकार खाना है। तो हर बार हम खा के देख रहे हैं या दूसरे से कुछ सूचना ले रहे हैं, उसके प्रभाव को स्टडी कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उस प्रकार उसके साथ अपनी भागीदारी देख पा रहे हैं। जी, एक प्रश्न, खराब आलू को नहीं खाना है, ये भागीदारी, ये भी भागीदारी है, मैंने निर्णय लिया तो उसको मुंह में नहीं डालना है, खराब आलू को मिट्टी में डाल देना है जिससे पौधे के लिए वो खाद का काम करे। तो हमको दिखता है कि मेरे शरीर के लिए वो मारक है, बट उस पौधे के लिए जहां मैं मिट्टी में डालूंगा ये सारक है। तो अगर सारक मारक का ज्ञान ना भी हो तो भी हमको दिखता है कि पेट में जाएगा तो पेट खराब करेगा, मिट्टी में जाएगा पौधा उसके रस को सोख कर पुष्ट हो जाएगा। तो ये मैं उसके गुण को अध्ययन करके, गुण का विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा। तो सड़े आलू की क्या भागीदारी है, ये मेरे चित्रण में आया। सड़े आलू पेट के लिए ठीक नहीं है, खाद के लिए ठीक है, ये भागीदारी दिखाई दी। तो नहीं खाना है और क्या करना है, ये दोनों सुनता दीदी ठीक है। ये अब उसी सड़े आलू को हम मिट्टी में डाल देंगे, वो खाद का काम करेगा, पौधा उससे पुष्ट होगा, वृक्ष बन जाएगा। बढ़िया। बट अभी हम जो चूक कर जाते हैं अपने अध्ययन में वो यह है कि हम स्वभाव धर्म परम धर्म को नहीं देख पाते हैं। हम निश्चित जो भागीदारी है जिसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, उसको नहीं देख पाते हैं। जी, अजय जी का प्रश्न है कि अनजाने में अगर खड़ा बालू खा लिया तो उल्टी हो जाती है, ये निर्णय किसका है। देखिए, खाने का निर्णय आपका था, बट उसकी जो निश्चित भागीदारी उसने पूरा किया, पेट में कोई विकृति हो गई तो उल्टी होगी। अब उल्टी करना है कि नहीं करना है, किस समय करना है, यह निर्णय हमारा है। हो सकता है कि हम कहीं ऐसे जगह बैठे हैं जहां 10 लोग और हैं, अब उनके सामने अगर हम उल्टी कर दें तो उनको बुरा लगेगा, तो ये सोचकर हम उस समय वहां से हट जाते हैं, कहीं और जाते हैं। तो वॉशरूम में उल्टी करना है बट 10 लोगों के सामने नहीं करना है, ये निर्णय सेल्फ का है। बट शरीर में जो विकृति हो गई वो तो होनी है ना, उसमें आपका निर्णय नहीं है। तो खाने का निर्णय हमारा है, उल्टी करना है या नहीं करना यहाँ ये निर्णय हमारा है। बट जो उल्टी के रूप में संवेदना आ रही है उसके पीछे जो कारण तैयार हुआ है शरीर में, उसमें मेरा निर्णय नहीं है जी। मेरा डिसीजन मेरी भागीदारी है, और यही बात है कि वो भागीदारी व्यवस्था के अर्थ में हो रही है या अव्यवस्था के अर्थ में, ये देखने का मुद्दा है। तो होता यह है कि चूंकि हमारा स्वभाव पे, धर्म पे, परम धर्म पे ध्यान नहीं है, इसलिए हम संबंध को नहीं देख पाते, व्यवस्था को नहीं देख पाते, अस्तित्व को नहीं देख पाते, और यही पादन करते हैं, गुण का विश्लेषण करते हैं और अपनी भागीदारी के बारे में कुछ मानना बना लेते हैं। इस कारण होता यह है कि कभी हम विरोध में चले जाते हैं, कभी हम डिसहार्मनी में चले जाते हैं। तो अभी भी देखें तो अगर इन चीजों को हम मान के जीना शुरू करते हैं तो उसमें कोई निश्चितता निरंतरता होती नहीं है। तो कई सारी चीजें ऐसी लगेंगी आपको जो हम खा रहे होते हैं बट सड़ा हुआ जैसा ही है, वो पेट में जाकर वही विकृति उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उसमें हाईली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं ताकि वो कम विकृति करे या ना करे। कल किसी ने एक वीडियो भेजा था, उस वीडियो में एक व्यक्ति जो है वो जोर जोर से चीख चीख के कह रहा है कचरा ले लो, कचरा ले लो। तो लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कचरा कौन बेचता है भाई। तो उसमें दिखाया यह है कि बहुत सारी चीजें हम ऐसी खा रहे हैं जो कचरा है, वास्तव में शरीर के लिए किसी न किसी रूप में मारक है, वो आज नहीं पता चल रहा, बाद में पता चलेगा उसका।
बट हम ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो अगर हम मानने के आधार पर जी रहे होते हैं, हमारा स्वभाव धर्म परम धर्म पर ध्यान नहीं है, तो ऐसे हम विरोध में जा सकते हैं, अव्यवस्था में जा सकते हैं, संघर्ष में जा सकते हैं, और यही दिखाई दे रहा है। इसमें मूल रूप में देखें तो जो हम सबके लिए करने का काम है वो ये है कि अगर हमको स्वभाव दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है, परम धर्म दिखाई देता है, तो इसको देखने का ही सुख हमको मिलता रहता है। इसके देखने के साथ कल्पनाशीलता में जो निश्चितता आती है उसका हमको सुख मिलता रहता है। तो सहज रूप से मुझे सुखी होने के लिए बाहर भागना नहीं पड़ता। जब ये सुनिश्चित नहीं होता तो मुझे सुखी होने के लिए बाहर भागना पड़ता है, यही मैं परतंत्र हो जाता हूँ। हम सबके लिए अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो करने काम इतना ही है कि जो सुख का निश्चित स्रोत है उसको जागृत करें। तो बाहर जो भाग रहे हैं उसको हम चाहे जितना नियंत्रित करें, जितना भी हम उसको सीमित मात्रा में करने जाएं, बट चूंकि उसके प्रति सुख की आशा बनी हुई है तो हम जाते ही हैं उधर। तो कई बार परंपरा में हम कहते हैं कि भाई है ना, इच्छा हो गई है, ऐसा विचार चल रहा है, आस्वादन की अपेक्षा है, क्या करें। तो अगर हम पूरा करते हैं तो भी फंसते हैं, उसका रोकते हैं, दमन करते हैं तो भी फंसते हैं। तो अल्टीमेटली जब तक ये ऊपर की क्रियाएं जागृत नहीं होती हैं, हमारी एक बाध्यता से बनी रहती है, या तो हम उसको पूरा करते हैं या फिर अपने आप को रोक कर स्वयं में ही एक असहज स्थिति में रहते हैं। तो कई बार ये होगा कि उसको पूरा नहीं करना ठीक है, पूरा कर लिया तो हो सकता है कि उससे संबंध बिगड़ जाए, उससे अव्यवस्था बाहर फैल जाए। तो उसको नहीं पूरा किया, उसको नहीं निर्वाह किया, वो तो अच्छा किया, बट उसको स्वयं में अगर हम सिर्फ विश्लेषण तक ही आकर रुक गए, कुछ मान करके अच्छा है ये बुरा है वहां रुक गए, इससे हमारे विचारों में शांति नहीं होती, इससे स्वयं में सहजता नहीं होती। वो तभी होती है जब हम ऊपर क्रियाओं को जागृत कर पाते हैं। तो एक स्थिति है कि हम भोग में गए, उसको पूरा करके देखा, क्षणिक रूप से सुखी हुए। दूसरा है कि उसको रोका, है ना, भोग में तो नहीं गया बट उसको रोका, बट वो भी सहज स्थिति नहीं है, बट पहले से बेहतर स्थिति है। कम से कम हमने देखने के लिए विश्लेषण तो शुरू किया, देखना तो शुरू किया। तो सहज की स्थिति है कि हम अपने आप में देखकर सहज हो गए। तो जिसको कहना कि बेहोशी की स्थिति है, उससे आगे की स्थिति है कि सतर्क हुए, विचार पूर्वक रोका, उससे आगे की स्थिति कि सजग हुए, तो भाव में ही देखा, सजग हुए, उससे आगे की स्थिति है कि सहज हो गए, दिख गया है, पहले से दिख रहा है, अब आगे के लिए बाहर के लिए भगदड़ बंद हो गई, बल्कि स्वयं में सुख का स्रोत बना हुआ है, सहज हो गए। सो जो करने काम है वो ये है कि हमारा सिस्टम नॉलेज ऐसा हो जो स्वभाव धर्म परम धर्म पे फोकस्ड हो, पूरी शिक्षा की वस्तु ऐसी हो जो हमारा ध्यान आकर्षण निश्चितता की ओर कराए, निरंतरता की ओर कराए, सार्वभौमिकता की ओर कराए, संबंध की ओर कराए, व्यवस्था की ओर कराए, सहस्तित्व की ओर कराए। उसके साथ जो भी रूप और गुण में करना है वो कर सकते हैं, नहीं तो हो ये रहा है कि इसको चूंकि हम मिस करते रहे हैं, तो रूप और गुण को लेकर हमने इतना सारा कुछ कर लिया है। अभी आप देखिए वैरायटी है, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाइए उसकी इतनी वैरायटी हो गई है, कपड़ा उठाइए उसकी इतनी वैरायटी है, जूता उठाइए उसकी इतनी वैरायटी है, ठीक। और उसको हम और अधिक अनुकूल संवेदना देने के लिए और अधिक उसे सम्मान पाने के लिए इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना मार्केट कैप्चर करने के लिए हम इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, बट फिर भी हम ना तो सुखी हो पा रहे ना समृद्ध हो पा रहे। तो अगर हम इस बात को देख पाए तो इससे बहुत सारी जो आज के दिन की समस्याएं हैं उनकी निर्जरा हो जाएगी, समाधानित हो जाएंगे। नहीं तो अधिक से अधिक हम अभी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, कम से कम हो जाए, सस्टेनेबिलिटी के नाम पर देखें कम से कम हो जाए। तो हमको रहना तो उसी बिल्डिंग में है, शीश महल में ही है, ठीक है ना, एसी तो चलाना ही पड़ेगा, बट कैसे कम एसी का बिल उठे, कैसे एसी का टेक्नोलॉजी बदल जाए वो और ज्यादा कूलिंग करे कम पावर कंज्यूम करके, अभी हम उसमें लगे हुए हैं। तो जहां पे लगता है कि और कोई विकल्प नहीं है, मान लीजिए कर भी लिया, बट कम से कम हमारे जीने का डिजाइन तो ऐसा हो कि उसका विकल्प दिखाई दे, उसे कर्ज की जरूरत ही ना हो। हमने इतना बड़ा शीश महल बनाया क्यों, हो सकता ऑफिस में जरूरत ही पड़े, अभी घर को ऐसा क्यों बना रहे हैं। पहले था कि पंखा था, उसके बाद कूलर आ गया, उसके बाद फिर हमने एसी लगवा लिया, विंडो एसी, अब स्प्लिट एसी लगवा लिया,
उसके ऊपर अब हम जा रहे हैं कि पूरा वीआरवी सिस्टम हो जाए, पूरा घर ही है ना एयर कंडीशन हो। अभी विदेशों में तो ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा टावर ही एयर कंडीशन है, बिल्डिंग भी मतलब कमरा तो है ही है, वॉशरूम भी है, लिफ्ट भी है, आपका जो कॉमन स्पेस है वो भी है, पूरा वैसा ही हमने बना लिया। उसमें इतना सारा कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर हम वहाँ बैठकर अंदर में सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ बैठकर हम एनर्जी कंजम्पशन को घटाने की बात कर रहे हैं, वहाँ बैठकर अपने देश के जंगल को बचाने की और दूसरे के देश के जंगल को प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ वायु शुद्ध रहे। अभी आपको दिखाई देगा कि जो भी सो कॉल डेवलप्ड नेशंस हैं, वो अपने देश के रिसोर्सेज को बचा के रख रहे हैं कि जंगल उनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित हो, बराबर मेजर कर रहे हैं, पार्टिकुलेट्स की मात्रा संतुलित हो। बट दूसरे देशों से इतना सारा रिसोर्स ले रहे हैं कि दूसरे देशों की हालत खराब हो रही है। खासतौर पर आप देखिए अफ्रीकन नेशंस को क्या हमने कर दिया है, उनकी कैसी दुर्दशा हो गई है, कैसी स्थिति में लोग वहां जी रहे हैं। अब ये सब को अगर हम सिस्टम के लेवल पे देखने जाएं तो बहुत सारा विरोध पैदा होगा, है ना। कैसे कहेंगे कि ये जीने का तरीका गलत है, वो जीने का तरीका सही है। कई बार ये भी तर्क आते हैं कि भाई जब हमारे पास इतना स्किल है, टेक्नोलॉजी है, तो हम क्यों ना प्रयोग करें, जब हमारे पास इतना पैसा है तो क्यों ना प्रयोग करें, एंड सो ऑन। बट उसका समाधान तभी निकलेगा जब हमारा ध्यान इन मूल तत्वों पे जाए, हमको दिखाई दे कि अफ्रीका के लोग भी मेरे संबंधी हैं। ऐसा नहीं कि अफ्रीका को हमको एक्सप्लॉइट करके अमेरिका को संपन्न बनाना है, साउथ अमेरिका को एक्सप्लॉइट करके यूरोप को हमको संपन्न बनाना है, ये एक ही देश के एक भाग को विपन्न करके दूसरे भाग को संपन्न बनाना है, ऐसा नहीं। जब संबंध दिखाई देता है तो हम हर दूसरे व्यक्ति के सुख और समृद्धि के अर्थ में विचार करते हैं, और ये बाहर से थोपने से नहीं होगा, ये तभी होगा जब हमारे अंदर सहज रूप से भाव बने दिखाई दे। जी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। जब तक हमें मानव जो है संबंध में नहीं दिखेगा, तब तक अभी जो सिविलाइजेशन बना हुआ है वो तो इसी प्रकार का है कि हमें मानव का को गुलाम बनाना है, मानव का शोषण करना है। दूसरा ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज की भी स्थिति दिखे। जब तक हमें संपूर्णता के अर्थ में धरती का स्वरूप नहीं दिखेगा, तब तक मेरी धरती अलग और दूसरे देश की धरती अलग, और मैं यहाँ का लोहा, वहाँ वहाँ का नेचुरल, वहाँ यहाँ तक कि समुद्र के अंदर भी हमने कोहराम मचा रखा है, आकाश में भी मचा रखा है, अब तो आकाश भी हम बांट रहे हैं। तो ये हम इसीलिए बांट रहे हैं कि हमें दूसरा मनुष्य जो है संबंधी नहीं दिखता, और मुझे ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए। धरती का क्या हो, जैसे अगर धरती के संबंध को भी जब हम अन्य ग्रहों से उसके रिश्ते देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी ही आवश्यकता के कारण गैस, पेट्रोलियम या जो भी धरती के अंदर है वो धरती की ही आवश्यकता है। वो हम उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसका व्यतिहासा जो है वो व्यतिहासा उसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हमें मनुष्यता समझ में नहीं आई है। तो ये शिक्षा उम्मीद है कि ये जैसे जैसे फैलेगी तो मानव में संबंध देख पाएगी, प्रकृति में सूक्ष्मता से व्यवस्था को देख पाएगी, और जो सहअस्तित्व है उसको भी जैसे जैसे हमें जब तक हमें सहअस्तित्व के भी दर्शन नहीं होंगे, तब तक हम ऊर्जा संपन्नता और व्यवस्था संपन्नता, ज्ञान संपन्नता और भागीदारी संपन्नता इसको बहुत करीब से देख नहीं पाएंगे। और जब हमें वो दिखाई देने लगेगा तो फिर धीरे धीरे हम जो है वो शिफ्ट होने लगेंगे और भाग दौड़ जो है वो कम होती जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति भी हमारा जो सम्मान है और जो सदुपयोग है वो हमें समझ में आने लगेगा। मैं अपने में ये परिवर्तन देख रहा हूँ और उससे मैं अपने को काफी ठीक जगह पे पाता जा रहा हूँ। इतना ही भैया से वही एक थोड़ा सा जैसे अपने इसके रिलेटेड चल रहा था कि आपने जैसे बताया कि एयर कंडीशनिंग जो है लगाने की वजह से जो होता है, और उसके लिए जो हम उसको हीट रेडिएशन जो है, हीट जो डिसिपेट हो रही है उसको कम करने के लिए कोशिश करने के लिए, जैसे आपने एक बहुत अच्छे एक उदाहरण दिया कि एसी में बैठ के एसी ये नहीं करना चाहिए कि यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसके रिलेटेड जो भी है चर्चा होती है। तो जस्ट एक हमारे प्रिंसिपल सर से जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने एक सुझाव दिया था
अभी वो मैं यहाँ बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कोई अगर अपने अपने स्टेट में या अपने अपने महाराष्ट्र के कोई रहेंगे तो महाराष्ट्र में भी कोई अथॉरिटी अगर है, तो जैसे अभी कोविड में जो ऑटोमेटिकली जो होटल्स बंद होते थे 7 को 7 बजे के पहले, या कभी कभी तो दिन भर भी पूरे बंद ही थे, तो ना क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक हर एक स्टेट में एक 8-9 बजे के बाद में होटल कुछ भी कोई भी होटल जो है चलना ही नहीं चाहिए, ऐसा अगर कुछ रूल लाया जाए तो ये जो पूरा एनर्जी का जो वेस्टेज है ये जो भी होता है वो कम हो सकता है। तो वही एक सुझाव था, उसकी वजह से बहुत सारा बदलाव हो सकता है सृष्टि में, जो ये छोटा सा काम अगर हर एक स्टेट में हो जाता है कि 8-9 बजे के बाद कोई भी होटल नहीं चलना चाहिए, या कोई भी दुकान जो है 8 बजे के पहले बंद होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है कम से कम हो जाए। धन्यवाद सर जी। देखिए इस तरह के नियम बनाने की भी बात नहीं हो रही है कि हम ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई आदेश लागू कर दें, इससे हाँ। अलग हट के ये बात हो रही है कि हमको दिखाई दे, है ना, बाकी तो सिस्टम के लेवल पर जो कुछ करना है वो तो हाँ। किसी रूप में लोग कर रहे हैं, बट हम जब स्वयं में अध्ययन करें तो हमें दिखाई दे व्यवस्था, दिखाई दे हम उसका समाधान दिखाई दे, ये सब जो है ना टेम्पररी सॉल्यूशन है, कि हमने कुछ नियम लगा दिया, आदेश लागू कर दिया, अब उस पर 4 लोगों ने विरोध किया, है ना, उनका अपने लॉजिक हो सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हम कर ही रहे हैं अभी आज के दिन भी, बहुत सारे नियम कानून लगा रहे हैं, बट हमको ये दिखाई दे कि अल्टीमेटली संबंध पूर्वक जीना क्या होता है, व्यवस्था पूर्वक जीना क्या होता है, शास्त्र पूर्वक जीना क्या होता है, तो हम उसके अनुसार पूरे जीने का तरीका ही अपना बनाएंगे। वो भी सही है। एयर कंडीशनर का एक उदाहरण मैंने दिया है ना, पावर कंजम्पशन है, एयर कंडीशनिंग के साथ जो कठिनाइयां जुड़ी हुई है, व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है, अब हम व्हीकल के पॉल्यूशन लेवल को कम करते जाएं बट व्हीकल की संख्या बढ़ाते जाएं सम्मान के लिए, संवेदना के लिए, तो समस्या यथावत रहेगी। ये कुछ अभी कुछ संहिता बनाने के लिए, कुछ नियम कानून बनाने के लिए बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हमको सहज रूप से सही जीना दिखाई दे, संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, शास्त्र पूर्वक जीना क्या होता है हमको दिखाई देता है, तो अपने जीने का तरीका ही चुनते हैं उसके आधार पर। सही है सर। और इसके लिए जो जरूरी है कि स्कूल लेवल से अपना यूएचवी का जो है अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो 100% उसमें बदलाव आ सकता है। देखिए शिक्षा एक भाग है, है ना, तो स्कूल में तो लागू करें ही, बट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं वो जिन घरों से आ रहे हैं उनके माँ पिता से बातचीत होनी जरूरी है, उनमें समझ निश्चित होना जरूरी है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, अभी आज के दिन आप कोई स्कूल में ये बातें कह दीजिए और स्कूल में एयर कंडीशनर हटा दीजिए तो चला एडमिशन 10% रह गया। प्रश्न करेंगे भाई, है ना, आपने जो कहा हमने किया, अब बताइए हमारा गुजारा कैसे चलेगा, एडमिशन हो ही नहीं रहा, बच्चा तो पूरे समय घर में एसी में रह रहा है, हम स्कूल में बैठा दिए बिना एसी का उसको, कंस्ट्रक्शन भी ऐसा है कि उसमें एसी जरूरी है, अब क्या कहते हैं, ये सब जो हम बीच में पीछे जो सोल्यूशन ढूंढते हैं वो कई बार सेल्फ डिफीटिंग हो जाते हैं, उससे फिर और विरोध उत्पन्न होता है। तो स्कूल में लागू कर देना मात्र पर्याप्त नहीं है ना, इसका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, हमको दिखाई दे कि अल्टीमेटली लोगों का भाव सहज हो, संबंध करते हो, व्यवस्था करते हो, किसी एक भाग में हमने पूरा कर दिया, दूसरे भाग को हमने छोड़ दिया, अब वहां विरोध तैयार होगा, अगर व्यक्ति उसके कारण सो नहीं पा रहा, घर की बनावट ही ऐसी है कि सो नहीं पा रहा, तो थोड़ी कहेगा कि भाई हम अपनी नींद खराब करेंगे बट एसी नहीं चलाएंगे, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो हमको दिखाई दे कि बिना उसके कैसे हम बेहतर ढंग से सो सकते हैं, ये मुद्दा है, और एकदम से उसको हम लागू कर देंगे, है ना, इसका भी मैं नहीं कह रहा हूँ, बट उसके विकल्पों पर काम करेंगे, शिक्षा में भी क्या बेहतर तरीका हो सकता है शिक्षा लेने देने का, उस पर काम करेंगे। जी जी भैया नमस्ते सभी को। भैया बहुत ही बढ़िया चर्चा चल रही है, कल भी हमने दीदी से थोड़ा ऐसे ही डिस्कस किया था, तो भैया आप जो बोल रहे ना ये एकदम सही है, मतलब ऐसे रूल्स बनाने से वो जो मतलब अपने को अगर चाहिए तो वो हम अपने आप में कर सकते हैं। मैंने अभी अभी लिखा था कि अगर 8 बजे के बाद आपको बंद करना है तो वो कोई करे ना करे, आप अपना, आपके यहाँ गेस्ट भी आया कोई भी आया तो 8 बजे के बाद आपने ये होटल में जाना नहीं, क्या भैया ये सही है? मतलब संबंध अगर देखना चाहते तो और ज्यादा मुख्य बात है कि होटल में जाना क्यों है। वो तो बराबर ही है, जब होटल रात को 8 बजे के बाद जाएं, मुद्दा ये कि क्यों जा रहे हैं, है ना, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि घर में खाना नहीं बना रहे हैं, ठीक बात नहीं है, करेक्ट करेक्ट, खाना बनाए, ठीक है,
बढ़िया। ऑक्सीजन कभी आप जा रहे हैं किसी रूप में लोगों के साथ कुछ समय बिताने के लिए, ठीक, उसको भी देख ले उसका बेहतर स्वरूप क्या होगा। बढ़िया भैया। तो मतलब हाँ, आज जो चर्चा चल रही है, कल से ही कंटिन्यू हुआ है, इसमें यही है कि हम अपने आप में देखें, सबसे पहले अपन दूसरे को किसी को सुधारने के बजाय अगर हम वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं, हमें वो समझ आती है जो अभी आई नहीं है, मैं ये मानता हूँ, हम धीरे धीरे, तभी तो ये जो पूरा आप बोल रहे हैं ना, आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया कि हम एसी की बात करें, आप अपने कैबिन में एसी बंद करके देखो ना, है ना, प्रिंसिपल है या जो जहां भी हम रहते हैं, कूलर रहे या जहां पर, तो बच्चों के लिए जब हम बोल रहे हैं सभी के लिए, अब अपना करेंगे तो वो काम ही सस्टेनेबल नहीं होगा ना भैया, है कि नहीं भैया जी। देखिए उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप बंद कर दें ये पर्याप्त नहीं है, अगर हो सकता है कंस्ट्रक्शन ही ऐसा आपने करा लिया है कि उसके बगैर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आपको चलाना पड़ेगा, है ना। हमने स्थान ही ऐसा चुन लिया है जहाँ इतने बिल्डिंग्स हो गई हैं, इतनी गर्मी पैदा हो रही है, हाँ बाहर से हवा ही नहीं आ रही, बराबर बिल्कुल करेक्ट, पेड़ है ही नहीं वहाँ पे, तापमान बढ़ा हुआ है, बारिश हो नहीं रही, तो फिर तो आपको सब करना अपनी बाध्यता हो जाएगी ना, क्योंकि आपको ये भी देखना कि स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा नहीं कि हम एक एसी बंद करके अपनी आयु घटा लेंगे, है ना, या शरीर में चार बीमारी और पैदा कर लेंगे ऑक्सीजन की कमी से, तो हमें एक होलिस्टिक सोल्यूशन देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भैया हम बच्चों को अभी यही पढ़ा रहे हैं कि फिर से कम बैक टू द ओल्ड ट्रेडिशन, अच्छा घर बनाओ, सादा घर बनाओ, बड़ी खिड़कियां लगाओ, बाजू में झाड़ रखो, है ना, यही हमको पढ़ाना है। जी भैया बहुत बढ़िया चल रहा है जी, नमस्ते सभी को। बढ़िया बढ़िया भैया, वो संपन्नता की बात भगवान भैया ने रखी थी, तो सजग रह करके जब मन के अंदर संपन्नता आ जाती है और भाव भाव और संबंध और संपन्नता, तो ऊर्जा के प्रति हो या रिसोर्सेज के प्रति हो, सजग रहने की तो आवश्यकता है ये, क्योंकि हम डोमिनेट भी करना चाहते हैं, ओवर पावर भी करना चाहते हैं अपने लिए, मल्टीपल स्टैंडर्ड जो आप बता रहे थे, एसी मतलब दूसरे न इस्तेमाल करें और मैं तो इस्तेमाल कर लूं, तो मेरे लिए एक अलग मापदंड हो जाए, दूसरे के लिए दूसरा मापदंड हो जाए, तो यहाँ तो सजगता की जरूरत है और संबंध के साथ अपने को व्यवस्था के अनुसार ही चलना है और अपने ऊपर लागू करना ज्यादा ठीक है, इंटरनलाइज करना भी आवश्यक है, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर नियम और संहिता कब तक चलेगा और उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली कि अगर हम 8 बजे भोजन की आशा करें तो वेस्ट बंगाल में तो आम धारणा ये है कि 10 बजे के बाद उस तरह का खाना पीना, या आजकल मिडनाइट बाजार प्रमोट हो रहा है तो लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों को वही ठीक लगता है, जहां पर अगर पूरा कपिल काम कर रहा है और सारा घर काम कर रहा है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था और समय देने के लिए धन्यवाद। बढ़िया भैया, धरती की रिसोर्सेज की जरूरत धरती को कैसे है, हाँ जैसे देखना प्रकृति में संतुलन बना हुआ है, पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है, हम है, एक संतुलन बना हुआ है, अगर हम इस चीज को ना समझे तो अगर हम पेड़ उजाड़ दें तो अल्टीमेटली तापमान बढ़ेगा तो उससे भारी नुकसान होगा पदार्थावस्था को भी, प्राणावस्था को भी, जीवावस्था को भी, ज्ञानावस्था को भी, तो अल्टीमेटली धरती में जो संतुलन बना हुआ है वो नहीं बना रहेगा, बिगड़ जाएगा। ये और बात है कि प्रकृति में जिस प्रकार से बना हुआ है उसको वापस वो सुनिश्चित कर लेता है, परंतु जिस तरह से अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे हम उसको असंतुलित करने की दिशा में जा रहे हैं, तो अगर ये होते हैं तो आवश्यकता इस रूप में है कि पदार्थ के रूप में जिस रूप में बना हुआ है बना रहे, ऐसा ना हो कि पानी नीचे चला जाए, ऐसा ना हो कि मिट्टी बंजर हो जाए, ठीक, ऐसा ना हो कि हमने धरती के अंदर इतना कोयला पेट्रोलियम निकाल लिया कि सतह पे तापमान बहुत ऊंचा हो जाए, इस प्रकार से रिसोर्सेज की जरूरत है। हाँ मिनरल्स का भी है ना, मिनरल्स का अपना एक रोल है, धरती के अंदर मिनरल्स रहते हैं उनका अपना एक रोल है, अब धरती के अंदर से हम सब कुछ उठा के बाहर ले आए उसको पूरा कंज्यूम कर लें तो अल्टीमेटली धरती में जो ताप को सोखने की शक्ति है वो कम हो जाएगी, उससे तापमान बढ़ेगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो अगर धरती के अंदर से इन चीजों को उठा ले जाएं बाहर ले आए उसको धुआं बना दिया, हमने कोयला निकाला उसको धुआं बना दिया, पेट्रोल निकाला धुआं बना दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इससे धरती का संतुलन बिगड़ेगा ही जी। मिनरल्स में भी आप देखें तो आयरन ओर है, इतने सारे मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, अब हमने सारा निकाल के प्लास्टिक बना लिया या उसका मिनरल पेट्रोलियम को निकाल कर, लोहे को निकाल के हमने सारा यूज कर लिया, गाड़ी बना ली,
मकान में डाल दिया। अब वो जो भागीदारी कर रहा था धरती के अंदर रहकर, वो तो अब नहीं भागीदारी हो पा रही, पूरा धरती के सतह पर आ गया। इन सब चीजों को हम अध्ययन कर सकते हैं कि धरती के भीतर जब मिनरल्स बने रहते हैं तो उससे धरती के तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनको हम निकाल कर बाहर ले आए तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका, इन सब चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है जी। तो देखने की वस्तु क्या है, स्वभाव धर्म और परम धर्म, है ना। स्वभाव मतलब अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदारी, धर्म मतलब स्वयं में व्यवस्था, परम धर्म मतलब सहस्तित्व संपृक्तता। तो जो स्वभाव है वो चिंतन की वस्तु है, जो धर्म है धारणा है, स्वयं व्यवस्था है वो बोध की वस्तु है, सहस्तित्व अनुभव की वस्तु है। तो इसके साथ जब हम इसको ध्यान देना शुरू करते हैं, एसेंस को देखते हैं, तो हम इसको देख पाते हैं, हम हर एक अवस्था के स्वभाव को देख पाते हैं, उसकी अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को देख पाते हैं चिंतन के स्तर पर, है ना। तो हम एक एक अवस्था के एक इकाई से देखना तो शुरू किए, परंतु जब दिखता है हमको संपूर्णता में तो हर अवस्था के लिए हर इकाई के लिए दिखता है। वही बात धर्म के लिए भी लागू होती है, यानी धारणा के लिए, यानी समय व्यवस्था के लिए लागू होती है, उसको देख पाते हैं कि नहीं। और सहस्तित्व को जब देख रहे होते हैं तब तो पूरी प्रकृति को ही हम देख पाते हैं कि कैसे शून्य में संपृक्त है, शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। तो एक सिक्वेंशियल मैनर में हम इसको देख पाते हैं, एक सिक्वेंस है। जैसे अभी हम आशा से ऊपर उठ के विचार के अवसर पर जीते हैं, विचार से ऊपर उठ के चित्रण के अवसर पर जीते हैं, चित्रण से और आगे बढ़कर भाव का चिंतन कर पाते हैं। जितना भाव का चिंतन करते हैं उस इकाई के संबंध में व्यवस्था का बोध होता है, और एक एक करके एक एक इकाई एक एक अवस्था करते हम आगे बढ़ते जाते हैं, किसी स्थिति में जाकर हम संपूर्ण अस्तित्व को देख पाते हैं अस्तित्व के रूप में। तो एक सीक्वेंस हम इसको देख पाते हैं, लोअर टू हायर एक्टिविटीज। बट जब हम एक बार पूरी वस्तु को देखें कि अनुभव के साथ क्या स्थिति बनती है, तो उसके साथ मतलब जिसको कहें कि अनुभव मूलक विधि, जब पूरे अनुभव तक पहुंच गए, अनुभव मूल में है, वहां से जब देख रहे हैं तो क्या स्थिति बनती है। तो एक है अनुभव की ओर जा रहे हैं, अनुभव गामी कहा जाए, अनुभव की ओर गति कर रहे हैं। दूसरा अनुभव के साथ देख रहे हैं अस्तित्व को, सहस्तित्व के रूप में देख लिया, उसके साथ देख रहे हैं, तो हर एक क्रिया में पूर्णता होती जाती है। पहले क्या अंशिकता में क्रियाशील है, उस पर पूर्णता हो गई। तो इनको दो भाग में देख सकते हैं या दो तरह से देख सकते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कैसा दिखता है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो कैसा दिखता है जी। तो आगे स्लाइड से उसको देखेंगे। ये बात हुई थी कि जब मैं संपृक्तता को देखता हूँ तो चारों अवस्थाओं में मुझे इस प्रकार से दिखाई देती है चीजें, जैसा हमने डिस्कस किया था। पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता दिखाई देती है, प्राण अवस्था में क्रियाशीलता के साथ साथ स्पंदनशीलता दिखाई देती है, जीव अवस्था के शरीर में क्रियाशीलता स्पंदनशीलता दिखाई देती है, मैं में संवेदनशीलता, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो सेंस ऑर्गन्स है उसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाई देती है। मानव में भी देखें तो शरीर में वैसे ही क्रियाशीलता स्पंदनशीलता है, हमारे में संवेदनशीलता तो है ही, यानी इंद्रियों से जो सूचना आ रही है, जो शरीर से संवेदना आ रही है उसके लेकर, और साथ में संज्ञानशीलता भी है, इसको संज्ञानीयता तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो शिक्षा संस्कार पूर्वक ये काम पूरा होना है। तो ये जो समवर्जन को हमने देखा अनुभव के स्तर पर देखा, तो यूनिट्स किस प्रकार संबद्ध है, इकाइयां किस प्रकार सहस्तित्व में है, तो इसको हमने अनुभव के स्तर पे देखा। बोध के स्तर पर हमने व्यवस्था को देखा जी, नेक्स्ट भैया, इनेटनेस को देखा, बोध के स्तर पे हमने इनेटनेस को देखा, नेक्स्ट भैया, और चिंतन के स्तर पे हमने स्वभाव को देखा। उससे बाकी चीजें स्पष्ट हुई, जो हमने वहां देखा उससे बाकी चीजें स्पष्ट हुई, यही कुल करने का काम है। तो जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, परस्परता में जीकर निर्वाह कर रहे हैं, अल्टीमेटली इस बात के लिए है कि हमारे अंदर ये जागृति हो जाए कि नहीं। और अभी आप देखिए कि इसी के अभाव में इतनी सारी भगदड़ है, इतना सारा उलटफेर है, इतना सारा चिंता दुख परेशानी है, और समाज में हर व्यक्ति कब देख पाएगा ये मुद्दा नहीं है। मुझे दिख जाए मैं आराम पाता हूं, मुझे दिख जाए मैं समाधानित होता हूं। हम अपने साथ बैठे होते हैं और अपने ही विचारों से उलझ कर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सब दिखता नहीं है हमको। ये दिखता है तो इसकी आश्वस्ति बनी रहती है,
आप खुद भी देखेंगे कि जितना जितना हमको दिख पाता है उतना उतना मेरे में आराम की स्थिति होती है, उतना उतना मेरे में एक आश्वस्ति का भाव होता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है। नहीं तो इसके स्थान पर हर जगह व्याकुलता परेशानी, तो आशा में जो आस्वादन हो रहा है तो सुख का नहीं हो रहा, दुख का, चिंता का, भय का हो रहा है। विचार में अंतर विरोध चल रहा है, चित्रण में, भाव में ऐसा बहुत सारा कुछ मिल गया जो सहज रूप से स्वीकार नहीं है, विरोध का भाव, अव्यवस्था का भाव। तो अल्टीमेटली उसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, मैं ही अपने आप को दुखी कर रहा हूँ अपनी अयोग्यता से कि नहीं। तो हम ही खुद समस्या क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, हम ही खुद उसमें उलझे हुए हैं और हम ही उसको लेकर रोना पीटना भी कर रहे हैं कि देखो क्या हो गया मेरे साथ, और हम मानते हैं दूसरे जिम्मेदार हैं। ये कॉमन सा फिनोमिनन है कि हम खुद ही अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, खुद ही उसका दुख भोग रहे हैं, खुद ही चीख चिल्ला रहे हैं और दूसरों को जिम्मेदार बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बैठ के आराम से विश्लेषण करें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, तो आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ हमने अपने ही निर्णय गलत किए, उन्हीं निर्णयों से हम आज उलझे हुए हैं कि नहीं। वो निर्णय सही हो जाए आगे के लिए तो सही हो जाए, पीछे का देखें तो जितनी योग्यता थी उसके अनुसार निर्णय लिए, अब योग्यता बढ़ा लेंगे तो सही निर्णय लेंगे, संबंध के अर्थ में लेंगे, व्यवस्था के अर्थ में लेंगे, अस्तित्व के अर्थ में लेंगे। अभी हमने बहुत सारी मान्यताएं बना ली परिवार को लेकर, हमने मान लिया छोटे से चार पांच लोगों का ही जो समूह है यही परिवार है, परिवार को हम विश्व तक नहीं देख पाते। इस परिवार के लिए अधिक से अधिक सुविधा संग्रह करना ताकि बच्चे सुखी रहें, आने वाली पीढ़ियां तक सुविधा के लिए परेशान ना हो, उसके ढेर सारा संग्रह कर लिया, वो हम ही ने एक मान्यता के तहत व्यवस्था बना लिया। जितनी ज्यादा सुविधा संग्रह की बच्चों का उतना ज्यादा भोग का मानसिकता बन गया, संबंध में उतना ज्यादा खींचतानी हो गई। वही बच्चे जिनके लिए हमने सुविधा संग्रह किया आपस में एक दूसरे को मारने पीटने काटने पे लगे हुए हैं अधिक से अधिक सुविधा लेने के लिए, और जो कि हमने सुविधा ही दी समझ नहीं दी तो हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं बना, है ना, वो उठाकर हमारे ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं कि नहीं। हम बच्चे कहते देखो बच्चे दुनिया में कोई विश्वास करने योग्य नहीं है, किसी विश्वास मत करना। बच्चा कहता है जी पिताजी, अंदर ही अंदर कहता है आपसे शुरुआत करता हूँ कि नहीं। तो हम खुद ही भटक जाते हैं अगर हमको संबंध नहीं दिखता, व्यवस्था नहीं दिखता, अस्तित्व नहीं दिखता, तो हम खुद ही अपने बारे में गलत निर्णय लेते हैं, बच्चों के लिए गलत निर्णय लेते हैं, स्पाउस के लिए गलत निर्णय लेते हैं, अपना और पराया के बीच में बहुत सारा हम भेद खड़ा कर देते हैं, समाज की ओर देखते हैं तो भेद के साथ देखते हैं, चाहे शरीरगत हो या सुविधागत हो या मान्यतागत हो, ठीक, तो ये सब हमारे में चलता रहता है। उसके स्थान पर हमको दिख जाए तो हम आराम पाते हैं, हम सुख की स्थिति में होते हैं। या एक प्रश्न था जो छूट गया था पहले भी, मैं पूछने की कोशिश में था, ये जो स्वभाव वाला ये कॉलम है तो इसमें जो ऊपर की चीजें हैं वो नीचे, तो इसमें भैया जो मानव है इसमें क्या ये क्रूरता और अक्रूरता उसके मैं में रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए हमारा स्वभाव तो नहीं है ना, ना क्रूरता का है ना क्रूरता का है, हमारा स्वभाव तो धीरता वीरता उदारता का है। तो अक्रूरता में भी भय शामिल रहता है, भले हम क्रूरता नहीं कर रहे दूसरे से भयभीत होकर जी रहे हैं, हमें संबंध नहीं दिखाई दे रहा, तो आप पाएंगे कि जो लोग क्रूर भी हैं वो किसी न किसी से भयभीत रहते हैं, तो किसी के साथ क्रूर है तो किसी के साथ ना दीनहीन है। यानी कि भैया मानव में क्रूरता और अक्रूरता, अच्छा यानी भ्रमित मानव में क्रूरता और अक्रूरता स्वभाव हो ही सकता है ना? अब उसको स्वभाव कह देते हैं परंतु स्वयं में स्वीकृत है नहीं, क्योंकि स्वभाव तो निश्चित है, तो हमारा स्वभाव तो धीरता वीरता उदारता ही है, उसका जोड़ के देखें तो दया कृपा करुणा है, ये हमारा स्वभाव है, बट चूंकि वो दिखता है अभी इसलिए उसको स्वभाव एक नाम दे दिया, स्वभाव है नहीं। ठीक है, क्रूरता में जी रहे हैं ये हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए दुखी परेशान है। हमारा स्वभाव होता तो उसके साथ हम कंफर्टेबल होते, आराम में होते, फिर तो बात ही क्या थी। ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया भैया। भैया दया और करुणा में क्या डिफरेंस है? भैया दया इन द सेंस फिजिकल फैसिलिटीज रिलेटेड है और करुणा अंडरस्टैंडिंग। देखिए दया और कृपा और करुणा ये तीन शब्द हैं। दया में ये होता है कि अगले के पास
पात्रता है, यानी वो समझना चाहता है ना, या उसमें कोई सुविधा की आवश्यकता है और वो वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो सिर्फ सुविधा के टर्म्स में ऐसा नहीं, सुविधा के टर्म्स में भी हो सकता है, भाव के टर्म्स में भी हो सकता है, समझ के टर्म्स में भी हो सकता है। तो उसकी इच्छा बनी हुई है उसको लेने की, परंतु वो उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध कराते हैं, ये दया का भाव है। कृपा का मतलब कि उपलब्ध है परंतु उसकी इच्छा भी तैयार नहीं हुई है। तो जैसे आपकी इच्छा तैयार हो गई है तो आप ये सुबह का सत्र अटेंड कर रहे हैं, ये लिंक तो घर के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, आवाज हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है, बट उनके अंदर भी ये इच्छा निर्मित नहीं हुई है। तो आपके अंदर इच्छा है, वस्तु पहुंच रही है, तो ये एक तरह का निर्वाह है। कोई और वस्तु है जिसके अंदर भी इच्छा ही निर्मित नहीं हुई है जबकि वस्तु पहुंच रहा है, तो उनके साथ अलग तरह से योजना कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। और कोई और व्यक्ति है जिनके पास ये वस्तु भी नहीं पहुंच रही है, इच्छा भी नहीं बनी हुई है, बेहोशी में जी रहे हैं, अन्यत्र कहीं लगे हुए हैं, मान्यताओं को पूरा करने में, संवेदनाओं को पूरा करने में पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं। अब उनको जगाना एक और निश्चित प्रकार से कार्यक्रम बनाना होगा। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा बन गई समझने के लिए, उसके लिए जो योजना बनाते हैं वो एक प्रकार से बनाते हैं। तो हमने एक बस एक वर्कशॉप को नोटिस भेज दिया कि AICTE के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए, 1000 लोग आ गए, उनके अंदर इच्छा बनी हुई समझने की, आ गए। पहले से वो वेबसाइट काम कर रहा है, लिंक काम कर रहा है, बट बहुत लोग हैं जिनके अंदर इच्छा नहीं बनी है समझने की, तो नहीं आ पा रहे। और कई ऐसे लोग हैं जिन तक वो वेबसाइट का लिंक भी नहीं पहुंचा है, उसका जानकारी भी नहीं है, तो उन तक पहुंचाना और साथ में इच्छा को जगाना, तो ये करुणा काम है। तो करुणा में क्या हो रहा है, हम वस्तु भी उपलब्ध करा रहे हैं, पात्रता भी विकसित कर रहे हैं। दया में पात्रता है, वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं, कृपा में वस्तु पहुंच गई है, पात्रता विकसित कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है भैया, थैंक यू। बढ़िया भैया, कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में, एक बार देख लेते हैं। When one self attains complete stage of knowing, then the step of accepting or believing will not be necessary or bypassed in imagination, as it is mainly focused on conditions or sensations. देखिए, जानने के बाद मानना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो जानने के साथ मानना होगा। तो आप पाएंगे कि जानने में जो मूल वस्तु है वो जुड़ी हुई है, संबंध, व्यवस्था और अस्तित्व, उसको जानने काम कर रहे हैं। इसको जानने के आधार पर जब मानने में जाते हैं तो उसमें रूप और गुण का भाग भी जुड़ जाता है, तो मानना रुक जाएगा ऐसा नहीं है, उसके साथ होगा। तो जैसे हमको कोई सूचना मिलती है, ठीक है ना, किसी चीज के, जैसे कि कोई कह सकता है कि भाई यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी है, सब्जी मार्केट लगा हुआ है। जानने की वस्तु यह है कि हमें जो खाना है क्यों खाना है, फास्ट कट में खाना है। अब सब्जी मंडी लगी हुई है आज, है ना, और मंडी सुबह से लेकर रात तक रहती है, ये एक सूचना मिली, हमने उसको मान लिया, स्वीकार लिया, अब जाते हैं वहां पे, निश्चित निर्वाह करते हैं, उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में मंडी लगी हुई है, तो पहचान रहे हैं उस दिशा को, जाकर खरीद के ला रहे हैं, निर्वाह भी कर रहे हैं। तो जानने के बाद जो मानना होगा जानने पर आधारित होगा, है ना, भाव के बारे में स्वीकृति बन जाएगी, मानने में जो भाव हमको दिख गया अब उसकी स्वीकृति बनी हुई है, जो सहज स्वीकृति वही मेरी स्वीकृति बन गई मानने में। बट और कुछ चीजें जुड़ रही हैं जो सूचना के रूप में है, उसको भी हम मान लेते हैं, तो उसको मान कर निर्वाह करते हैं, तो मानना रुक जाता है ऐसा नहीं, बल्कि मानना जानने पर आधारित होता है, उसमें बहुत सारी और चीजें जुड़ती हैं जो रूप और गुण से जुड़ी हैं। डिसीजन कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट्स बेटर ईच इंडिविजुअल शुड टेक डिसीजंस नो मैटर इवन इफ दे आर यंग। देखिए, इसको थोड़ा सा और ओपन रखें, ऐसा नहीं कि हम हर बच्चे को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर देंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी उसमें जानने काम तो हुआ नहीं है, मानने से ही चल रहा है, और यदि कुछ निर्णय लेता है अपने मानने के आधार पर और कुछ फल परिणाम ऐसे आते हैं जो लॉन्ग टर्म में उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम फिर उसको कुछ निर्देश भी दे सकते हैं, है ना, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हर जगह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर देंगे, उसको हम गाइड करेंगे, प्रॉपरली गाइड करेंगे, ये ठीक है जी। पात्रता विकसित करना जब बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मान्यता बहुत ज्यादा गहरी है, जुनूनी है, तब क्या समाधान है, जबकि सहकर्मी साथी सब जानते हुए भी अपना स्वार्थ व संगठन में समुचित सहयोग के लिए तैयार नहीं है जी। कैलाश जी, ऐसा हो सकता है,
बट अभी देखें तो आपके बहुत सारे संगी साथी होंगे, सहकर्मी होंगे, सबकी अपनी अपनी पात्रता होगी, तो जिसमें पात्रता है उसके साथ काम शुरू करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही व्यक्ति ऐसा ना हो, है ना। अगर 1000 लोग हो, 500 लोग हो, 100 लोग हो साथ में, इसमें एक ही व्यक्ति ऐसा ना हो जिसमें समझने के लिए जिज्ञासा नहीं है, ऐसा तो कभी देखने में नहीं आता। वहां से शुरू करें, जितनी जिज्ञासा है वहां से शुरू करेंगे। अभी एक बार में हम मान लेते हैं सबके बारे में कि सब ऐसे ही हैं, स्वार्थी हैं, ऐसा है वैसा, कोई जरूरी नहीं है, तो पूरा वेरिएशन दिखाई देगा आपको कॉम्पिटेंस का। हमको दिखता है कि सबकी सहस्कृति वही है, निश्चित है, कॉम्पिटेंस की कमी भर हो सकती है, वहां से काम शुरू करेंगे। इसको हम अपने आप में देखें, वो जो हमने बहुत सारी समस्याओं की समीक्षा की, तो हम देखें कि क्या उन समस्याओं में समाधान इस ज्ञान के आधार पर निकलता है या उसके लिए कोई हमको भय प्रलोभन इस तरह का कुछ ना कुछ कार्यक्रम चला के रखना पड़ेगा। इसको हम अपने आप में देखें, इसे विचार करें, जितनी इतनी आश्वस्ति बनेगी कि इस मूल वस्तु से ही समाधान निकलता है। हम अपने भी जीने में बहुत सारे जो टुकड़ों टुकड़ों में तरीके और योजनाएं बनाते रहते हैं, उससे बाहर निकल पाएंगे। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस देख पा रहे, एक मैसेज जो हमारे ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप्स है, और दो वर्कशॉप्स के रजिस्ट्रेशन लिंक सभी अवेलेबल है, एक 3-7 जुलाई और दूसरा 10-14 जुलाई। तो इस लिंक को हम हमारे बाकी साथियों के साथ में जो इसे अटेंड करना चाहते हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से एक मैसेज में हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, उसी तरह से जो स्टडी मटेरियल वेबसाइट, उसकी लिंक अवेलेबल है। और एक मैसेज है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए हम जो SIP चलाते हैं उसका जो फॉलो मीटिंग रहता है हर बुधवार को और हर शुक्रवार को शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक रहता है, तो उसकी भी लिंक अवेलेबल है, इसे भी हम हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद।